हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हर्ष और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में जिसका नाम है शर्मा जी के रिव्यूज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक फुल रिव्यू लेके आया हूं Asus Zenfone 5G का, जो कि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जो कि लॉन्च हुआ था करीब करीब दो महीने पहले। दोस्तों, ये जो दोस्तों एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और आता है काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ, साथ ही साथ एक फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ जो कि स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर। ये फोन दोस्तों करीब करीब मैंने दो हफ्ते जो है यूज किया और ओवरऑल मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या मेरा रिव्यू है इस दो हफ्ते का, तो वो मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों बताने जा रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी दबा देना दोस्तों, तभी आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों ये वीडियो। मैंने इस वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। ओवरऑल एक ही वीडियो आपको मिलेगी, बट पार्ट्स ऐसे जैसे कि बिल्ड क्वालिटी हो गई, डिस्प्ले हो गया, कैमरा हो गया, बैटरी होगी, तो ऐसे कुछ पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया और ओवरऑल एलैबोरेट करूंगा आपको पूरी इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ जो कि है बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन। दोस्तों, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है और साथ ही साथ अगर डिजाइन की बात करें तो इसका जो ओवरऑल जो डिजाइन है और ओवरऑल लुक है बीइंग अ फ्लैगशिप काफी अच्छा इसका डिजाइन है। अगर डिजाइन की बात करें दोस्तों तो आपको फ्रंट साइड और बैक साइड जो है आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिलते हैं, दोनों साइड आपको ग्लास मिलता है फ्रंट साइड और बैक साइड पे भी। इसकी जो ओवरऑल लुक है दोस्तों वो काफी एलिगेंट लगती है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये जो है एक फ्लैगशिप फोन है, बट जो है जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें ग्लास भी है, तो फिंगरप्रिंट जो है वो एक तरीके से मैग्नेट है तो वो उंगलियों के निशान हल्के हल्के जो है इस पे छप जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ग्लास है बैक साइड पे। और साथ ही साथ बीइंग अ ग्लास ये थोड़ा बहुत जो है वो स्क्रैच प्रोन भी, हल्के छोटे मोटे जो स्क्रैच हैं वो भी इजीली डे टू डे यूजेज में दोस्तों लग सकते हैं इस फोन पे। उसके बाद डिजाइन की बात करें तो दोस्तों आपको जो बैक साइड पे ही जो कैमरा है वो आपको मिलता है, डुअल रियर कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको पीछे वाली साइड मिलता है। जो कैमरा सेटअप है दोस्तों पीछे वाली साइड वो उसका जो बम्प है वो भी नेग्लिजिबल आप बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल बम्प आपको पीछे वाले साइड देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दूं, ये फोन जो है हल्का सा स्लिपरी है, हाथ से जो है स्लिप हो जाता है कई बार, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो इसके साथ जो टीपीयू केस आता है वो हमेशा आप लगा के रखिए या और कोई जो कवर है वो जरूर से आप लगा के रखिए ताकि नीचे गिरने से जो है इसका ग्लास जो है वो ना टूटे। दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जो कि है डिस्प्ले। तो इसमें आपको 6.2 इंचेस की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है और सही बताऊं तो ये जो डिस्प्ले है काफी इंप्रेसिव है। कंट्रास्ट रेशियो, जो कलर कंट्रास्ट रेशियो है वो काफी ज्यादा अपीलिंग है, काफी अच्छा लगता है और स्क्रीन जो है वो काफी अच्छी लगती है फ्रंट साइड पे। और यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करूं तो आपको जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको फ्रंट साइड पे नॉच मिलती है और नॉच को आप जो है ऑन ऑफ कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। दोस्तों, आउटडोर कंडीशंस में इसकी जो ब्राइटनेस है स्क्रीन की वो भी काफी अच्छी रहती है, साथ ही साथ ब्लू लाइट फिल्टर है इसमें ऑप्शन, वो अगर आप चाहते हो कि रात को जब आप फोन यूज करो तो आप ब्लू लाइट फिल्टर जो है वो ऑन कर लो ताकि आपकी आंखों पे जो है वो ज्यादा प्रभाव ना पड़े इसका। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो परफॉर्मेंस के पार्ट में मैंने जो डिवाइड किया है अलग अलग चीजें, परफॉर्मेंस में सबसे पहले तो मैं लेके आया हूँ जो इसका हार्ट होता है मोबाइल का जो कि प्रोसेसर, इसमें आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है दोस्तों। साथ ही साथ अगर इसमें वेरिएंट्स की बात करूं तो तीन वेरिएंट में ये फोन आपको देखने को मिलता है, 664, 6128, 8256 में तीन वेरिएंट्स में ये फोन आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल जो इसका GUI है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा, इसमें जो आपको एंड्रॉइड OS है वो 8.1 मिलता है, हालांकि इसके ऊपर जो Asus ने अपना Zen UI है जो वो रन किया हुआ है और जो Zen UI है उसका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा लगता है, विदाउट एनी लैग वो यूज होता है। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं अगर गेमिंग की या फिर हैवी यूजेज की, तो इजीली ये जो फ़ोन है हैवी गेमिंग और हैवी यूजेज के लिए बना हुआ है। दोस्तों, मैंने इस पर काफ़ी सारी गेम्स जो हैं वो प्ले करके देखी, पहले मैंने जो नॉर्मल गेम्स हैं जैसे कि टेंपल रन या फिर सबवे सर्फर्स वो जो है वो प्ले करके देखी, उसके बाद जो पबजी मोबाइल है वो भी प्ले करके देखी, काफ़ी अच्छा इसका एक्सपीरियंस रहा, बिल्कुल भी लैग आपको नहीं मिलता जब भी आप इस पर हैवी गेम्स प्ले करते हो, साथ ही साथ आपका जो टच रिस्पॉन्स है ड्यूरिंग गेमिंग वो काफ़ी अच्छा रहता है इस फोन में दोस्तों ओवरऑल। और अगर बात करूं इसकी हीटिंग की तो एक्स्ट्रा हीटिंग भी नहीं आपको देखने को मिलती इस फोन में जब भी आप हैवी यूजेज करते हो इस फोन पे। उसके बाद चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जो कि है कैमरा। तो कैमरा सेटअप जो है यहाँ पे आपको काफी अच्छा मिलता है, डुअल रियर कैमरा सेटअप आपको बैक वाली साइड मिलता है, वहां पे आपको 12+8 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिलता है, जो आपका 12 मेगापिक्सल है वो आपका प्राइमरी कैमरा है और अपर्चर मिलता है उसका f1.8 अपर्चर के साथ वो मिलता है। जो आपका दूसरा कैमरा है रियर वाली साइड ही वो है 8 मेगापिक्सल का दोस्तों, उसमें अपर्चर आपको f2.0 मिलता है, वो एक वाइड एंगल लेंस वाला जो है वो कैमरा है।
फ्रंट वाली साइड आपको सेल्फीज के लिए दोस्तों 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है, उसमें भी अपर्चर जो है f2.0 है, उसमें आपको ब्यूटिफिकेशन मोड्स भी मिल जाएंगे और भी काफ़ी अच्छे अच्छे मोड्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको इसमें फ़ोन में ही इसमें एक सेल्फी मास्टर करके ऐप है वो आपको मिलती है देखने को, उसके थ्रू आप जो है अच्छी अच्छी फोटोज अच्छी अच्छी सेल्फीज जो है वो क्लिक कर सकते हो दोस्तों। और अगर इसकी कुछ मोड्स की बात करूं कैमरा की, तो आपको इसमें प्रो मोड भी मिलता है जिसमें आप ISO सेटिंग या अलग अलग जो भी सेटिंग्स हैं वो आप इसमें कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट जब आप ऑटो मोड में आते हो तो आपको डेप्थ इफेक्ट, ब्यूटिफिकेशन और आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ आपको रॉ इमेज कैप्चर करने का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है दोस्तों। अगर आपने मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी Asus Zenfone 5Z की, तो मैं यहाँ पे जो है वो कार्ड दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जाके आप जो है इसकी अनबॉक्सिंग देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है जो इसका वेरियंट है 6GB 64GB वाला, वो आता है 30,000 रुपये का, 29,999। तो उस प्राइस रेंज के हिसाब से जो कैमरा की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल डे टू डे यूजेज के लिए भी ये कैमरा जो है काफ़ी अच्छा है। 4K वीडियोज़ की जो रिकॉर्डिंग है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसमें। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ में और ऐड कर दूँ, जो मैंने अभी प्राइस बताया, नॉर्मल डेज में ये आपको 30,000 में मिलता है 6GB 64GB वाला वेरियंट, बट जैसे 10-15 दिन महीने बाद जब भी इस पर सेल लगती है तो इस पर आपको सीधा सीधा 2,000 से 3,000 का डिस्काउंट मिलता है, तो ये पड़ जाता है आपको करीब करीब 27,000 रुपये का दोस्तों। अगर आप पोकोफोन F1 लेने का विचार जो है वो बना रहे हो, ऊपर वाला कोई वेरियंट और जिसका प्राइस जो है वो इसके करीब करीब होगा, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसके भी जो वीडियोज़ हैं या फिर किसी के पास कोई बंदा जो ये फ़ोन यूज़ कर रहा हो तो जाके एक बार इसकी लुक जो है वो चेक कर लीजिए, क्योंकि लुक के मामले में ये पोकोफोन F1 से काफ़ी अच्छा दिखता है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में, तो बैटरी यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलती है 3300 mAh की। फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, टाइप सी आपको यहाँ पे कनेक्टर मिलता है। 1 से 1.5 घंटे में आपकी जो बैटरी है वो पूरी चार्ज हो जाती है दोस्तों। और ओवरऑल अगर यूजेज की बात करें तो 1 से 1.5 दिन नॉर्मल यूजेज ये निकाल देती है। अगर आप हैवी यूजेज करोगे, मैं तो इस पर हैवी यूजेज करता था लिटरली, आपको पता है, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस डालनी, फिर उसके बाद कमेंट चेक करने, रिप्लाईज करना और बाकी कुछ वीडियोस देखना या बाकी ओवरऑल जो काम है, तो मेरा तो ऑल डे जो है फ़ोन पे लगा रहता है, तो मैंने इसको एज अ प्राइमरी फ़ोन यूज़ किया था, तो मुझे ओवरऑल ये 1 डे का जो है वो बैकअप दे देता था। अगर मैं सुबह चार्ज करता था, मान लो 8 बजे फुल चार्ज हो गया, तो ये जो है 10, 11, 12 बजे तक भी इवन ये जो है मुझे ओवरऑल चार्जिंग ये निकालता था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 डे जो है आपको सिंगल चार्ज में ये दे देगा इजीली। तो बैटरी वाइज भी मुझे ओवरऑल जो इसका रिस्पांस है, ओवरऑल जो इसकी यूसेज के हिसाब से, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा बैटरी वाइज भी। अगर आप इसके जो फोटो सैंपल या फिर आप वीडियो सैंपल देखना चाहते हो दोस्तों, तो मैंने इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, यहाँ पर आप क्लिक करके वो देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ऊपर कार्ड दिया दोस्तों। इसके बाद चलते हैं ऑडियो डिपार्टमेंट की तरफ दोस्तों। तो ऑडियो डिपार्टमेंट में ये फ़ोन जो है वो धमाल मचा रहा है। सबसे पहले तो इसके जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं वो काफ़ी अच्छा साउंड इफेक्ट देते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ अभी। मुझे जो है इसका जो स्टीरियो साउंड है वो काफ़ी ऑसम लगा, काफ़ी बढ़िया लगा दोस्तों। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि विद इन द बॉक्स आपको जो इसमें ईयरफोन्स मिलते हैं, जो कि नॉर्मल से जो है अच्छे क्वालिटी के ईयरफोन्स हैं और उनका जो साउंड आउटपुट है वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पे आपको ये एक एडिड एडवांटेज हो जाता है कि आपको जो है वो ईयरफोन्स जो है वो सेपरेटली परचेज नहीं करने पड़ते दोस्तों, आपको विद इन दी बॉक्स ईयरफोन्स जो है वो मिल जाते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें स्टीरियो साउंड मिलती है, तो आपका जो नीचे वाला जो स्पीकर है वो भी साइड बाय साइड चलता है, साथ ही साथ जो आपका ईयर पीस है दोनों में से आवाज़ आती है, तो बहुत ही अच्छा जो आउटपुट आपको मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में दोस्तों। उसके बाद कुछ AI फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि AI चार्जिंग हो गया, AI रिंगटोन हो गया, AI कैमरा में फीचर्स आपको मिलते हैं देखने को, तो थोड़े बहुत आपको यहाँ पे AI फीचर्स भी मिलते हैं इस फोन में। तो ओवरऑल इस वीडियो का एंड करने से पहले मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी मैंने आपको बता दी। ओवरऑल उसका डिज़ाइन अच्छा लगा मुझे, इसका जो बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे अच्छी लगी, इसका जो स्टीरियो साउंड इफेक्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ओवरऑल इसकी जो लुक है प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी जो आपको मिलती है वो चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और सबसे बड़ी बात कि इसका जो प्राइस बहुत अच्छा लगा कि अगर आपको 27,000 में 6GB 64GB वेरियंट मिल जाता है, साथ ही साथ इतनी अच्छी लुक वाला सिंगल हैंडेड आप उसको यूज कर पाओगे, तो
और क्या चाहिए फिर? ये जो है काफी फायदे का सौदा है, अगर आपको ये जो है 27,000 का मिल जाता है या फिर आने वाले दिन में इससे भी अगर लेट सपोज 1,000-1,500 सस्ता हो जाता है कोई एक्सचेंज वगैरह लगा के, तो फिर तो ये बिल्कुल सोने पे सुहागा होगा। तो यही सब बताना था आपको इस फुल रिव्यू में Zenfone 5G के। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक और चीज बताना चाहूंगा कि बेल आइकन भी दबा देना दोस्तों, तभी आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।